बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे वालों, सारे मेरे भैणां ते भरावां नूं अल्लाह पाक हमेशा तुहानूं खुश रखे, आबाद रखे। जिहड़े दुख तकलीफ अल्लाह पाक तेरे दूर करे, तुहाड़ी जिंदगी च खुशियां ही खुशियां भरदे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर तुम साडा चैनल देसी विलेज ब्लॉग सबसक्राइब नहीं किया तो इन्हें सबसक्राइब कर लो, जिहड़ा बैल दा बटन इहनूं प्रेस कर लो, ताकि साडी आने वाली हर वीडियो बर वक्त तुहानूं मिल सके। अच्छा जी, मैं सिर 'च तेल लगाया सी, ला के थोड़ी देर बैठ के अद्धा घंटा घंटा, तो फिर हूँ मैं जरा नहाती हूँ, कपड़े चेंज किए आ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हाँ क्योंकि ज़ियान बाबू आ रहा वा, क्योंकि सारे देखने भैन भाई पता कि मैंने बच्चे किन्ने पसंद आ, किन्ने पसंद आ। डेली मैं दो तीन बारी ना ज़ियान नाल गल करनी होंगी आ, तो वो फिर हंसदा अगे देख के, मैं उन्होंने कहूँ कि आ जा चक्का आ जा, वो फिर मोबाइल पकड़ता, तो फिर अगले दिन ना रोन दिया रात भी मैंने चक्या क्यों नहीं हो। तो ज़ियान मैं डेली वीडियो कॉल पर गल करनी होंगी, हिब्बा ने भी करनी होंगी, मैं वैश ने भी, तो अल्लाह ताला किसी न किसी चीज़ की कमी ना दे। ज़ियान बाबू आ रहा वा, तो भाई ने जाना से अगे गाँव च, थोड़ा काम से भाई ने, मैं क्या भाई अगर आए तो बच्चे ले आयो, बच्चे ने मिलने दिल कर रहा, और बच्चे भी फिर पता शहर बंद घर अपना घर ही रहना, कितने जाना बच्चों ने, गाँव में तो बंदा फिर फूर लेंदा, मैं हूँ समान बेटे उन्होंने चल जाती हूँ अम्मा जी भाजी मनवर असलम के घर, तो शहर कितने जाना वा, सुबह बच्चे जाते स्कूल फिर ट्यूशन पारा, बच्चे फिर सारा दिन घर ही होंगे, तो फिर बच्चे अपना नानी घर भी शौक ना जाते हैं, तो इतने भी शौक ना आते हैं, बच्चों का फिरने का होंगे भावें जी मर्जी खाला को लै जाओ, जो मर्जी नानी को लै जाओ, जितने मर्जी लै जाओ। तो अदन पीटी आओ मार बेटा, भाई नसरुला आपिस मैरा और ज़ियान बाबू आ रहे हैं, तो मैं उन्होंने वास्ते लगी हाँ खाने पीने का बंदोबस्त कर, और देखती हूँ की पकानी हाँ, तो मैं कहनी हाँ चलो चावल ही पका लैनी हाँ, और पहले तो मैं ज़ियान वास्ते सवाइया बनानी हूँ, क्योंकि ज़ियान सवाइया पसंद आ, दुध रख दी उत्ते, दुध रख के सेवियाँ पका के रखा, क्योंकि सेवियाँ जड़िया ठंडिया हो जा, फिर ज़ियान बाबू खा लेगा मेरी सोनी खाएगी फिर। अच्छा जी लैचियां भी पा दी है इतों ही, ए पियाँ लैचियां जी हैगा ही मैं जड़ियाँ बना लैनी हूँ, क्योंकि फिर मैं कट के फ्रिज रख दूँगी, थोड़ियाँ ठंडिया हो जाएंगी, मूँह खोल के उल्टे मूँह खोल के ना पाव बीज काके तो मूँह चल गया, तो फिर काका कर दिता उल्टी। तीन लैचियां मैं साबत ही पा रही हूँ, वैसे खोल के पाओ तो मूँह इन्हों का ज़्यादा टेस्ट आता वा, लेकिन काका फिर साडा जिहड़ा एवें दा ही आ, दूध लै लिया बस जी, दूध मैं रख दिता उपर, और दूध संघना बहुत आ, यह थोड़ा मगज दुध से, यह थोड़ा जहा फेर के बिच पाया वा, तो दुध नूं करां गरम फिर पानी में सवाइयां, और मैं बाजी नंबर फोन करके कह दूँ, बाजी मैं रोटी पकानी आ चावल पकाने, मैं लैके आऊँगी, तुम भी आज शाम की रोटी ना पकायो, बाजी ने फोन कर ली। अच्छा जी सवाइया दुध गर्म हो गया, इस पा के मैं चीनी पा दी है, तो हम चूल्हा मट्ठा कर दवा 10 मिनट वास्ते, ना दुध भी मैं ज़्यादा पाया वा, कर दिया रहन फिर मज़ेदार सेवियां बन दियाँ, तो मैं उन्हें हूँ चावल चुक के रख लवा, तो चावल बनाना शुरू करा, क्योंकि मैं कहनी हूँ भी मेहमाना तो उन्हें पहले पहले खाना बन जाए, और बाजी ने फोन कर दिया वा खाना ना बनायो, मैं चावल पकाने हैं तो मैं लैके आऊँगी, बाजी कहती अच्छा। चावल भी मैं चुक के रख लिया 2 कप, और इधर मेरी सेवियां भी अच्छी तरह गाढ़िया हो गई हूँ, मतलब कड़ कड़ के पक गई हैं, देखो मलाई उपर इतनी सोहनिया मछलियाँ पक गई वा, और इधर मैं रायते वास्ते भी मिर्चा आदि वा, टमाटर मिर्चा प्याज हर शा कट लिया, साबुत मसाले भी इतने मैं लिया के रख लिया, तो हूँ मैं जरा कुछ धो लिया वा, कुछ धो सेवियाँ का चूल्हा बंद कर जावा। अच्छा जी सेवियां मैं डूंगे च पा के रख लिया वा, ये मैं हूँ रख लिया वा फ्रिज के बच्चे, तो सारिया चीज़ा भी लिया, फिर आके चावल उपर रख दी। अच्छा जी चावल मैं भेज ढक्कन देवे, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा तंग कर रही, कढ़ाई के ऑयल पा लिया, ऑयल गर्म होने दें बल्कि थोड़ा हो ही गया वा, और छोटी इलायची काली मिर्च दालचीनी और सफेद जीरा ये पा लीए, हल्का जहा फ्राई कर लीए, साबत मसाले पा के थोड़ा जहा फ्राई कर लिया, हूँ पा लेने प्याज, प्याज में कर दी गोल्डन ब्राउन, गोश्त भी मैं धो तो के ज़्यादा सी 2 किलो सी, 1 किलो लिया ही और 1 किलो जरा मैं फ्रिज रखी हुई हूँ, तो हूँ मैं जरा आलू काट लवा, क्योंकि सेवियां पा के फ्रिज रखी हुई आलू काट लवा, और फिर रायता बनानी हाँ। अच्छा जी 2-3 मैं हरिया मिर्चा कट्टिया वा, और सब्ज धनिया के पत्ते 2-3 मतलब थोड़े जे तोड़े धो के, ए मैं दही लेके आई हूँ जमाया से, फिर मैं खाना नहीं सी, ए थोड़े जे मटर भी मैं क्या पा लवा, और नवी आलू आ, इधर सारे प्याज भी जरा ना बस ब्राउन होने ते आए, थोड़े जे होर हो जाए, फिर बच पाने चिकन, क्योंकि मैं कहनी हाँ भी आने के पहले पहले खाना बन जाए, फिर मैं जरा ना जी आलू चुप लूँगी, और
ज्यादियां सवाइया बन गई वा। अदनुमार भी खानगे भाव भाइयों ने भी खान बड़ा डोंगा भर के बनाया वा। और अम्मा जी ने भी सवाइया देख के आऊँगी। अम्मा जी दी मिल लगता मैं देखी भर के देख के आई हूँ। फिर अम्मा जी ना जो दिल करता ना दवाई खाते फिर अम्मा जी खा लेंगे सवाइया। अम्मा जी बहुत ज़्यादा जरा ना पसंद आ। अल्लाह ताला साड़ी माँ का साया साथ सलामत रखे। और हूँ मैं जरा ना पाव चिकन प्याज फ्राई हो गए। पहले तो पाव सब तो दो लत्ता दोनों लत्त अम्मा जी हूँ अल जान दी कि अम्मा जी दूसरी बोटी नहीं खा सकते। दूसरे तो जिन्हें दंद हो तो सारी ही खा लेंगे। अच्छा जी अच्छी तरह ना कलर चेंज हो देना चिकन का। कलर चेंज हो गया वा। हम मैं पानी टमाटर से हरिया मिर्चा और नाल ही पा देने आलू और मटर। इन्हों की भी बनाई हो जाएंगे और ये भी नरम हो जाएंगे। मिक्स कर दियाँ तो जिंदा टमाटर पानी छड़ना होनी तो चिकन की भी अच्छी तरह बनाई हो जानी है तो आलूआ की भी हो जानी है। तो मैं उन्नी देर जिनी देर तिकर अपना बनाई हो रही है नाल नाल जरा ना मैं ये भी कुट लवा रायता भी बना के रख ला। फिर मैं खीरे भी लिया भी एक कट के पानी है तो कि घर जहाँ प्याज पानी है। अच्छा जी इधर टमाटर नरम हो गया। इधर मैं हरिया मिर्चा तो धनिया मिक्स कर लव और थोड़ा जहा बस नमक पाना वा थोड़ा जहा नमक पा लिए। और मैं हूँ खीरा तो प्याज बच्च कट के मिक्स कर दी हूँ। चलो जी। अच्छा जी एक मैं जरा ना खीरा बच्च मिक्स किया वा एक मैं छोटा जहा प्याज नमक ला के बरीक बरीक कट के धो के लैके आई हूँ। तो ये भी मिक्स करके तो मैं रायता रख जानी हूँ फ्रिज के बच्चे क्योंकि बहर दही ना खट्टा ना हो जाए। रायता बिल्कुल तैयार हो गया वा। मज़ेदार नमक मैं चेक कर लेनी एक बारी। अच्छा जी हूँ मैं पाव पाउडर मसाले दही मैं रायता में फ्रिज रखी हूँ। सब तो पहले तो जाऊगा जी नमक और लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी जी दड़ा मिर्च और थोड़ी जी साबुत मिर्च भी पाई है। हर मिर्च का अपना अपना जायका और थोड़ी जी जाएगी काली मिर्च। मिक्स कर दी हूँ और 10 मिनट वास्ते बनाई कर दी हूँ। पाउडर मसालिया की भी अच्छी तरह हो जाएगी और चिकन की। अच्छा जी बनाई अच्छी तरह कर ली है। बर्तन भी धो के रखी आई हूँ। जरा चिकन वाला बॉल सी खाल छिलके वगैरह कड़ाइए पा के तो हूँ मैं जरा ना पाव पानी दो कप चावलों के और 4 कप मैं पानी पाऊंगी। चलो जी पानी पाता वा मिक्स कर दी हूँ और अच्छी तरह जरा मैं पानी पका लैनी हूँ और नमक चेक कर लेंगे एक दफ़ा अगर कम होया तो पा लेंगे। चावलों का पानी मैं उतार के आई हूँ पानी पकन लग पाया तो हूँ बिच पाने चावल पा लिया हल्के हाथ ना मिक्स कर दें और नमक चेक करांगे अगर थोड़ा होया तो पावांगे। चावल बिच पाते हैं अच्छी तरह। अच्छा जी इत्थे चारपाइयां लगियां चटाई तो है नहीं तो ये वाला वो क्योंकि बच्चे या छोटे नाल तो इस करके टेबल बास्कट का उत्थे रखते हैं और उत्थे खाना लगावांगे। टेबल लगा लिया वा लाइट नहीं है लाइट आ जानी है जिन्नी देर तक कपड़े भी मेरे प्रेस करने वाले पे आ तो मैं उन्नी देर जरा ना निकाल लवा बर्तन ऐ वाला सवइयां दा एक अपना चावलों का चम्मच चावलों
चलो जी, चम्मच और चावलों वास्ते डिश और प्लेटा निकालवा। गिलास चम्मच प्लेटा में रख देते हैं, मेहमान आते हैं तो फिर जरा मैं ना ए वाला टिशू भी उत्थे रखा, सवइया और रायता फिर रखूँगी, क्योंकि मेहमान ने कहा अद्धे घंटे च असी पहुँच जाना, मेहमान का कोई अद्धा पता नहीं है, डिश बाहर लै जानी है, चावल पा के लैके आऊँगी। पूरा चले गरूब नहीं होया, दामे देता सी क्योंकि चौधरी साहब ने कॉल आई, फिर मैं वीडियो नहीं बनाई। और ए डिश वो वास्ते चावलों वास्ते बर्तन भी सारे धो के सैट मैट करके रख दिते आ, हम देखते हैं बाहर मेहमान कि दुख तिकर आते। लाइट गई हुई है, 4 बजे, 4 बज के कुछ मिनट हो या, 4:30 लाइट आनी है, तो उन्नी देर तिकर मेहमान भी अल्लाह खैर करे आ जाएंगे। मेहमान शायद उस्मान बेटे उन्होंने ना चले गए हूँ, कुछ ना अंदाज़ा नहीं है। अच्छा जी, चावल चेक करिए, माशाल्लाह माशाल्लाह चावल हो गए, और पाइए डूंगे दे विच, माशाल्लाह खिले खिले चावल बन के तैयार आ, मिर्च लाइट आ, और बच्चों ने भी खाने होंगे आ, रायते में मिर्च सही रखी आ, ओके बिस्मिल्लाह दी बरकत। सुन लो, हाँ सोनी मीठी तो दबके सुन लो। अच्छा जी, ऐ मेरे काकिया दी सवैया, मिक्स चावल मटर दे मैगी दी सेम में तुसी रेडी जी रख लेने से ज्यादा में आलू ठोक खा ला, ते खैर के बाद दोबारा बच्चे खा लो। अच्छा जी, लड़की के बस जगह खुली है, राई तो बात तो कर। अच्छा किस तरह से दबे हम अच्छे चौपाल को सारे पता चलो छे छे खाना खा लो, फिर चलो एसी वाले कमरे च।